छोड़ा सकती हूँ। तो सर आपके आने से पहले, क्योंकि हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे झूठा को देखने का, तो हमने दो बार सॉन्ग ऑलरेडी चला लिया और देख लिया, आपके लिए दोबारा चला देंगे। तो सबसे पहले क्योंकि मैम इमोशनल हो गई है थोड़ा सा, तो हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितना मुश्किल था या आसान था इस तरह का सॉन्ग डायरेक्ट करना, क्योंकि हाई ऑन इमोशन से जैसे हमने देखा सभी की आंखों में आंसू आ गए। तो कैसा एक्सपीरियंस आया आपका, प्लीज शेयर करिए हमारे मीडिया के साथ। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। हम लोगों ने, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी एक तरह के वॉरियर मैं कह सकता हूँ, जितने भी मीडिया वाले खड़े हैं यहाँ पर, ये लोगों ने ही सभी की आवाज़ को आगे लेके गए हैं। तो स्टार्ट से ये लोग साथ में थे, तो जो जो चीज़ें हम देख रहे थे मीडिया में, सोशल मीडिया में, मीडिया में जो भी देख रहे थे, वो सारी चीज़ें तो हम देख ही रहे थे और आती जी का दर्द भी दिख ही रहा था। लेकिन जब मुझे बंसल जी ने कॉल किया और मुझे बोला एक गाना है और राखी जी बहुत ज़्यादा उनको पसंद आया गाना, तो हम करना चाहते हैं, तो मैं राखी जी के पास आया और बात